हेलो फ्रेंड, यहाँ पे देखेंगे कि जीनोमियो में एज ए स्टूडेंट लॉगिन करके किस तरीके से एक्टिविटीज़ कंप्लीट किया जाता है, उसके साथ साथ क्विज असाइनमेंट सॉल्व करके सबमिट किया जाता है। तो चलो सबसे पहले लॉगिन करने के लिए आपके मोबाइल में जो भी ब्राउज़र है उसको ओपन करना है। जैसे कि यहाँ पे मेरे इनबिल्ट ब्राउज़र है, मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपके जीनोमियो साइट एड्रेस यहाँ पे डालना है। जैसे कि यहाँ पे अपना जीनोमियो साइट है https://eegpa.genomeo.com। तो इसको यहाँ पे सर्च करना है, सर्च बटन पे क्लिक करके सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपका पहला जो साइट का पेज है इस तरीके से आएगा। यहाँ पे आपको लॉगिन है, उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो जनरली आपको हमेशा इस तरीके से एड्स दिखेंगे, क्योंकि ये जो साइट है ये ओपन सोर्स है, फ्री है करके यहाँ पे आपको एड्स आते जाएंगे। तो आपको इसको सिंपली इग्नोर करना है और नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे जब स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे दिखेगा कि अवेलेबल कोर्सेज यहाँ पे दिखेंगे, जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हो गए, मैनेजमेंट हो गया, उसके बाद फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे हो गया। तो ये जो कोर्सेस है आपके टीचर ने इस साइट में बनाया हुआ है। तो सबसे पहले लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पे इस कॉर्नर में जो लॉगिन है यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे कि यहाँ पे हम जाते हैं, यहाँ जाने के बाद आपको टीचर ने जो प्रोवाइड किया है यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे आपको डालना है। जैसे कि यहाँ पे मेरा यूज़र नेम जो है वो मेरा ईमेल एड्रेस है, तो यहाँ पे मैं लॉगिन करता हूँ। यहाँ पे पासवर्ड डालना है, उसके बाद सिंपली आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करते हो यहाँ पे आपको सबसे पहले, जैसे कि मैंने बताया, आपको एड्स यहाँ पे आते जाएंगे। आपको सिंपली इसको इग्नोर करना है और नीचे जाना है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि रिसेंटली एक्सेस कोर्सेज, तो यहाँ पे आपने जो रिसेंट में जो भी कोर्सेज आपने एक्सेस किए यहाँ पे दिखेगा। उसके बाद और जो बाकी है वो आपको नीचे लिस्ट आउट दिखेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे रिसेंटली एक्सेस में आपको फंडामेंटल्स ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे दिख रहा है, ये कोर्स दिख रहा है। उसके साथ साथ अगर नीचे जाओगे तो अदर कोर्सेज भी आपको यहाँ पे दिखेगा। जो भी आप जिस जिस कोर्स में आप एनरोल हो वो सभी कोर्स यहाँ पे लिस्ट आउट दिखेंगे। आप इसको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करके भी इस कोर्स में जा सकते हो। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे जो ये जो थ्री हॉरिजॉन्टल लाइंस है इसमें क्या क्या ऑप्शंस है। यहाँ पे अगर इसको क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको मिलेगा डैशबोर्ड, साइट होम, कैलेंडर, प्राइड फाइल्स, माई कोर्सेज। माई कोर्सेज के अंदर आपके सभी जो भी कोर्सेस है यहाँ पे आपको लिस्ट आउट मिलेगा। यहाँ पे जो प्राइड फाइल है यहाँ पे आप अपना खुद का प्राइड फाइल यहाँ पे ऐड कर सकते हो। उसके बाद हम देखेंगे कि साइट में जाने के बाद, ये जो कोर्स में जाने के बाद किस तरीके से अपने को एक्टिविटीज़ कंप्लीट करना है और बाकी चीज़ें यहाँ पे सबमिट करना है। तो आप इसको सिंपली ये जो बार है थ्री हॉरिजॉन्टल लाइन है यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये चला जाएगा। तो एक तो यहाँ से आप कोर्स में जाके, यहाँ से भी आप कोर्स में जा सकते हो, या फिर यहाँ पे सिंपली इस कोर्स के ऊपर भी क्लिक करके आप जा सकते हो। तो हम यहाँ पे इसको भी क्लिक करके अंदर जाते हैं। यहाँ जाने के बाद और आपको इस तरीके से हमेशा आपको एड्स दिखते जाएंगे। लेकिन यहाँ जब देखोगे तो यहाँ पे आपका इस तरीके से डैशबोर्ड, माय कोर्सेज, फिर एपी, इस तरीके से आपको ये लिस्ट आउट मिलेगा कि यहाँ पे आप किस पेज में हो। तो यहाँ पे हम एपी इस पेज में हैं जो कि कोर्स है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये जो आपका टीचर ने बनाया हुआ ये कोर्स का अरेंजमेंट है, जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने बनाया है कि कोर्स डिटेल क्या है। यहाँ पे आपको कोर्स नेम, उसका कोड आ गया, फिर उसके फैकल्टी क्या है, बाकी आपके टीचिंग एक और एग्जामिनेशन स्कीम यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पे एक बात ध्यान में देखना है कि जब भी आपको अगर ब्लू कलर का जो भी दिखता है लिखा हुआ, इसका मतलब है कि ये लिंक है, इसमें क्लिक करने के बाद आपका कोई कुछ अलग पेज ओपन होने वाला है।
उसके साथ साथ आपको और एक ध्यान देना है कि इसके लिंक के एग्जैक्ट बरोबर पैरेलली यहाँ पे आपको ये स्क्वायर दिखेंगे। तो स्क्वायर का मीनिंग जान लो, अगर स्क्वायर नहीं है, अगर यहाँ पे जैसे यहाँ पे करिकुलम के आगे स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर नहीं है कि मतलब ये कंपलसरी नहीं है, मतलब इसको आपको नहीं देखोगे तो भी चलेगा, मतलब ओपन करना और इसको देखना कंपलसरी नहीं है। लेकिन जहाँ पे अगर ये सॉलिड, जिस तरीके से ये सॉलिड सॉलिड स्क्वायर है, यहाँ पे सॉलिड स्क्वायर है, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे आपको इसको देखना है, देखने के बाद ही ये टिक होगा, या फिर इसको डायरेक्टली आप इस तरीके से टिक कर सकते हो, तो ये ऐसा टिक हो जाएगा, या फिर इसको अनटिक कर दे तो अनटिक हो जाएगा। लेकिन जो डॉटेड है, डैश वाले जो स्क्वायर है, इसका मतलब ये है कि आपको इसको डायरेक्टली टिक नहीं कर सकते, इसको टिक होने के लिए आपको ये जो इसके बरोबर का जो ये लिंक है, इसको ओपन करके आपको देखना पड़ेगा, तभी वो टिक होगा। तो सबसे पहले हम करिकुलम से स्टार्ट करते हैं। चलो, तो जब करिकुलम में जाएंगे, यहाँ पे करिकुलम है, ये जब करिकुलम में जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका एक PDF आएगा, इसको अगर आप सिंपली डाउनलोड करते हो तो यहाँ पे डाउनलोड सक्सेसफुली दिखा रहा, अगर इसको देखते हो तो ये आपका सिंपली करिकुलम यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका सब्जेक्ट का करिकुलम हो गया, कोर्स का करिकुलम हो गया। चलो, इस तरीके से वापस जाते हैं साइट पे। दूसरा यहाँ पे है इंस्ट्रक्शंस, तो यहाँ पे जाके देखते हैं। इंस्ट्रक्शंस में जाने के बाद आपको इस साइट में किस तरीके से लॉगिन करना है, बाकी चीज़ें यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको केयरफुली पढ़ लो तो आपको इसको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस है, उसके साथ साथ जब इंस्ट्रक्शन में जाते हो, इसको नेक्स्ट जाने के लिए यहाँ पे आखिरी में अगर देखोगे तो आपको यहाँ पे जंप टू का भी यहाँ पे ऑप्शन है। तो अगर मुझे नेक्स्ट लिंक पे जाना है तो यहाँ पे पीछे ना जाके मैं यहाँ पे डायरेक्टली अगर क्लिक करता हूँ तो मैं नेक्स्ट लिंक पे ऑटोमेटिकली चला जाऊँगा। तो जैसे कि यहाँ पे मराठी में जो भी इंस्ट्रक्शन है वो लिखा हुआ है, अगर और मैं नेक्स्ट गया तो वही लिंक है जो पहले आपके कोर्स में दिखा रहा था। यहाँ पे अगर सिंपली मैं नेक्स्ट चला जाऊँ तो यहाँ पे इस कोर्स को किस तरीके से कंप्लीट करना है, इसके बारे में टोटल वीडियो है, इसको अगर सिंपली आप प्ले भी करते हो, सिंपली प्ले करते हो तो ये वीडियो यहाँ पे प्ले हो जाएगा। इस तरीके से इसको आपको कंप्लीट करना है। तो यहाँ से आप डायरेक्टली टीचिंग प्लान नेक्स्ट इसमें भी जंप कर सकते हो। जैसे अगर टीचिंग प्लान देखते हैं तो आपको हमेशा ये जो ऊपर एड्स आ रहा है इसको इग्नोर करना है, ये हमेशा आते जाएंगे क्योंकि पहले बोला कि फ्री ओपन सोर्स है, तो यहाँ पे एड्स आते जाएंगे। जैसे नीचे जाते हैं यहाँ पे दिखेगा कि आपको किस तरीके से टीचिंग प्लान बनाया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन टू पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, और इसका यहाँ पे एंड डेट क्या है, स्टार्ट डेट क्या है और एंड डेट क्या है यहाँ पे दिया हुआ है, जिसको फॉलो करना है इस हिसाब से, ताकि ये कोर्स है इस हिसाब के टाइम टेबल के हिसाब से चलेगा। इस तरीके से आपके यहाँ पे पूरा, जैसे कि पहला यूनिट का यहाँ पे पूरा दिया हुआ है। तो आप ये जैसे यहाँ पे ब्लू कलर का दिख रहा है, तो अगर सिंपली आप इसको भी क्लिक करते हो तो आप डायरेक्टली उस लिंक पे भी जा सकते हो। तो ये हो गया आपका टीचिंग प्लान। अब नेक्स्ट अगले इसमें जाने के लिए यहाँ पे भी आप सिंपल क्लिक करोगे तो भी जब चले जाओगे, या फिर आप बैक जाके आपके कोर्स में जाके भी आप यहाँ पे भी आप डायरेक्टली जंप कर सकते हो। जैसे कि मैं अगर AP में क्लिक करता हूँ तो आप डायरेक्टली कोर्स में चले जाओगे। तो अभी जो हमने देखा वो था जनरल चीज़ें जो यहाँ पे लिस्ट आउट थे, जनरल बातें। अब फिर उसके बाद यहाँ से अपना स्टार्ट होता है यूनिट 1। जैसे कि यहाँ पे इस सब्जेक्ट का जो फंडामेंटल्स ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, इस सब्जेक्ट का पहला यूनिट क्या है कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस है।
यहाँ पे इसका डिटेल्स सब टॉपिक्स क्या है यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद पहला जो है इसमें आपको ये जो पहला मॉड्यूल है यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू कोर्स, जो कि आपका फंडामेंटल्स ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स उस कोर्स के बारे में है। जैसे भी यहाँ पे अगर ध्यान दोगे तो ये जो स्क्वायर है यहाँ पे टिक नहीं है, जब मैं इसको प्ले करूँगा देखूँगा तो ये ऑटोमेटिकली टिक हो जाएगा। जैसे ओपन करते हैं, यहाँ पे आपको जो कोर्स के बारे में यहाँ पे वीडियो आपको दिखेगा। तो सिंपली अगर आप इसको यहाँ पे प्ले बटन को अगर क्लिक करते हो तो आपको आपका जो ये वीडियो है प्ले हो जाएगा। इसको आप मैक्सिमाइज भी कर सकते हो, यहाँ पे अगर क्लिक करोगे तो मैक्सिमाइज हो जाएगा। यहाँ पे प्ले पॉज का भी बटन है, तो यहाँ पे सिंपली अगर इसको मैं मैक्सिमाइज करूँगा तो ये आपको इस तरीके से मैक्सिमाइज दिखेगा। ये हो जाने के बाद, अगर पूरा हो जाने के बाद आप सिंपली आपको इंट्रोडक्शन टू नेक्स्ट जो आपका 1.0 इंट्रोडक्शन टू पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इस नेक्स्ट टॉपिक में आज जा सकते हो। यहाँ पे अगर सिंपली मैं क्लिक किया तो वहाँ पे चला जाऊँगा। तो आपको यहाँ पे ये जो इंट्रोडक्शन टू पावर इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे जो इसके बारे में जो वीडियो लेक्चर है इसको आपको ध्यान से पूरा देखना है। देखने के बाद जैसे इसको प्ले, जैसे मैंने पहले प्ले किया वैसे इसको इस तरीके से प्ले करना है। ऑटो प्ले भी हो जाता है या फिर प्ले करना है। इसको जिस जैसे हम पूरा कंप्लीट करते हैं, इसके बाद क्विज है और असाइनमेंट है जो आपको अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्विज कैसे अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ मैं नीचे जाने के बाद हमारा जो नेक्स्ट है यहाँ पे जो दिख रहा है नेक्स्ट जंप टू क्विज में जाते हैं। जैसे ही क्विज में गए तो आपको यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है दो चीज़ें हैं, अटेम्प्ट अलाउड वन, मतलब इसका मतलब है कि आपको एक सिंगल अटेम्प्ट ही अलाउड है, एक अटेम्प्ट होने के बाद आप दोबारा इसको नहीं कर सकते। दूसरा इसको टाइम लिमिट दिया हुआ है कि इस जो क्विज है ये टोटल क्विज जो है इसको आपको 15 मिनट में सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको अटेम्प्ट क्विज नाउ इस बटन को क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको इसके बारे में डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है कि इस क्विज का लिमिट क्या है और कितने कितने देर में इसको फिनिश करना है। अगर फिनिश नहीं करते हो तो ऑटोमेटिकली वो फिनिश हो जाएगा और सबमिट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको जाना है स्टार्ट अटेम्प्ट में। स्टार्ट अटेम्प्ट में जाने के बाद यहाँ से आपका क्विज स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे अगर स्क्रॉल करता हूँ तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे करीबन 5 क्वेश्चंस है, 5 क्वेश्चंस यहाँ पे आपको दिखेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए आपको सिंपली ये जो बटन है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आईजीबीटी स्टैंड फॉर आइसोलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर, तो यहाँ पे ट्रू है कि फॉल्स है ये आपको क्लिक करना है। तो सिंपली आप इसमें क्लिक करना है, ये जो बटन है इसमें क्लिक करोगे तो जैसे मैं ट्रू बोलता हूँ तो ये यहाँ पे आपको ये आंसर सेव हो जाएगा। दूसरा है आईजीबीटी कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ पावर सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये जो आईजीबीटी जो है ये किस सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के कैटेगरी में आता है, ये दूसरा क्वेश्चन है। जैसे अगर मैं यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ कि कंट्रोलेबल स्विचेस में होता है, तो यहाँ पे अगर कुछ रॉन्ग होता है तो यहाँ पे आपको क्लियर चॉइस करके आप डबल सी इसको चॉइस को चेंज कर सकते हो। वैसे ही थर्ड यहाँ पे मैच द पेयर्स पेयर्स को डायोड्स के बारे में, तो मैं ऐसे रैंडमली क्लिक कर देता हूँ। अभी आपको जैसा आपका आंसर है उस तरीके से मैच करना है पेयर को। उसके बाद SCR स्टैंड फॉर फोर्थ क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है जो भी आंसर होगा। फिफ्थ है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये कुछ स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, डेफिनेशन है वो ट्रू है कि फॉल्स है वो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ये जैसे ही आपके 5 क्वेश्चंस हो जाते हैं उसके बाद आपको सिंपली अटेम्प्ट फिनिश करना है। उसके बाद उसके पहले ये भी देख लेना है कि यहाँ पे हमेशा आपको ये जो क्विज नेविगेशन पैनल है यहाँ पे आपको इसके बारे में दिखाई देगा।
उसके बाद अटेम्प्ट फिनिश करते हैं। यहाँ करने के बाद आपको यहाँ पे क्विज का समरी देगा कि जिसमें आपका स्टेटस है, क्वेश्चन है, और स्टेटस सेव्ड है कि नहीं यहाँ पे देखना है। और सिंपली आपको एक बार और सबमिट ऑल एंड फिनिश पे आपको करना है। अगर आपका कुछ भी आंसर अगर सेव्ड नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप रिटर्न जाके यहाँ पे क्लिक करके रिटर्न जाके उसको रीअटेम्प्ट कर सकते हो, वो विद इन टाइम लिमिट के अंदर। लेकिन तो यहाँ पे मैंने जैसे सबमिट ऑल फिनिश यहाँ पे कर देता हूँ। ये सबमिट ऑल फिनिश हो जाने के बाद एक बार और आपको आखिरी वार्निंग आएगा कि कंफर्मेशन करना है कि नहीं। तो यहाँ पे सिंपली आप इसको कंफर्मेशन करते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको इसका टोटल मार्क्स कितना है, आउट ऑफ कितने, पूरा डिटेल यहाँ पे आपको इस बॉक्स के अंदर दिखाई देगा। जैसे कि यहाँ पे टाइम कितना लगा सॉल्व करने के लिए, मार्क्स कितना मिला, और उसके आउट ऑफ 10 ग्रेड कितना मिला। तो इस तरीके से आपको ये डिटेल, और उसका यहाँ पे आपको फीडबैक भी मिलते जाएगा उसका। इस तरीके से फीडबैक भी मिलेगा कि वो जो आंसर है किस तरीके से करेक्ट है करके। तो इस तरीके से आपको ये क्विज सॉल्व करना है। नेक्स्ट है आपका असाइनमेंट सबमिट करना। तो आप सिंपली अगर नेक्स्ट वीक में जाते हो असाइनमेंट में, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं। यहाँ जाने के बाद कुछ क्वेश्चंस है, जैसे कि यहाँ पे 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस है कि किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और सबमिट करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फर्स्ट राइट डाउन द आंसर ऑफ ऑल क्वेश्चंस ऑन नोटबुक। नोटबुक पे आपको सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को जो ऊपर दिया हुआ है। उसके बाद उसको स्कैन करना है। स्कैन करने को जो भी आपने असाइनमेंट लिखे हो नोटबुक में, उसको स्कैन करने। स्कैन करने के लिए मोबाइल में जैसे कि एडोब स्कैनर है, कैम स्कैनर है, ये जो एप्लीकेशन है यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। उसके बाद उसको आपको सेव करना है पीडीएफ फॉर्मेट में। पीडीएफ फॉर्मेट में सेव करने के बाद इसको, इस पीडीएफ फाइल को आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। तो देखते हैं कि ये अपलोड कैसे करना है। जैसे यहाँ पे आपको सबमिशन स्टेटस दिखेगा, उसके बाद ग्रेडिंग स्टेटस दिखेगा, और लास्ट मॉडिफाइड जो भी टाइम है और डेट है यहाँ पे मिलेगा। लेकिन हाल में हमने यहाँ पे एड सबमिशन नहीं किए, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखेगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करता हूँ एड सबमिशन में, तो उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे डायरेक्टली सबमिट करने के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा। जैसे कि अगर आपके पास पहले से अगर सेव है कोई फाइल सेव है, तो यहाँ से भी आप ओपन करके उसको ऐड कर सकते हो। तो लेकिन मुझे यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड करना है, फाइल ऐड करना है मेरे डिवाइस से। तो यहाँ पे असाइनमेंट सबमिट करने के लिए आपको यहाँ पे जो ये जो फाइल दिख रहा है, ये जो फाइल दिख रहा है, इस फाइल में आपको क्लिक करना है। तो आप फाइल अपलोड कर सकते हो। उसके बाद आपको सिंपली सेव चेंजेस करना है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसके एक्सेप्टेड फाइल टाइप्स क्या क्या है। तो यहाँ पे देखोगे तो ये पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे ये एक्सेप्ट करता है। तो चलो यहाँ पे देखते हैं कि फाइल कैसे अपलोड करना है। तो यहाँ पे गया, यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिलेगा, रिसेंट फाइल, अपलोड फाइल, प्राइवेट फाइल, विकी मीडिया, अगर अदर सोर्स से भी आप ले सकते हो। तो जैसे कि मुझे यहाँ पे मेरे मोबाइल से अपलोड करना है, मोबाइल डिवाइस से अपलोड करना है, तो मैं इसको चूज़ करूँगा। तो जैसे ही इसमें जाएंगे, जाने के बाद आपको यहाँ पे एज अटैचमेंट यहाँ पे क्लिक करना है, अटैचमेंट यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे आ जाएगा कि फाइल्स, आपके जो भी फाइल्स है वहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे पास सपोज डाउनलोड्स में जाता हूँ, यहाँ पे मैं एक ये जो है ये असाइनमेंट फॉर्मेट यहाँ पे मैं अपलोड करना चाहता हूँ। तो सिंपली मैं उसमें क्लिक करूँगा, और ये जो है आपको यहाँ पे दिखेगा सेम नाम। इसको अगर मॉडिफाई करना है तो सेव एज, तो इसको आप मॉडिफाई कर सकते हो। जैसे असाइनमेंट मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1.0, तो इसको यहाँ पे जब भी जब आपको यहाँ पे ये दिख जाता है, उसके बाद आपको ऑथर नेम वगैरह लिखना है तो लिखो, नहीं तो नहीं लिखे तो भी चलेगा। सेव एज करना है, नाम लिख देना है, ये भी कंपलसरी नहीं है। उसके बाद आपको अपलोड दिस फाइल, इस पे क्लिक कर रहे हैं। जैसे ही इस फाइल को अपलोड करते हैं, तो आपको ये जो फाइल है यहाँ पे आपको अटैच दिखेगा,
असाइनमेंट 1.0, और इसको आपको सिंपली यहाँ पे सेव चेंजेस यहाँ पे करना है। सेव चेंजेस हो जाने के बाद आपको यहाँ पे सबमिशन स्टेटस दिखेगा, जैसे कि सबमिशन स्टेटस यहाँ पे है सबमिटेड फॉर ग्रेडिंग, ग्रेडिंग के लिए सबमिट हो गया है, ग्रेड अभी तक नहीं दिया। जब इसको टीचर रिव्यू करेगा, देखेगा, एसेस करेगा, उसके बाद यहाँ पर आपको ग्रेड दिखेगा, और यहाँ पे लगातार आपको मॉडिफाइड लास्ट मॉडिफाइड डेट यहाँ पे आपको दिखेगा। इसके साथ साथ सबमिशन कमेंट्स यहाँ पे अगर कुछ आपको देना है तो आप दे सकते हो, या फिर टीचर ने कुछ आपको यहाँ पे दिया तो आपको यहाँ पे दिखेगा कमेंट्स। तो उसके साथ साथ इसको जब तक इसका टाइम लिमिट जो है टीचर ने अलाउ किया, तब तक इसको एडिट सबमिशन कर सकते हो, रिमूव सबमिशन कर सकते हो, जब तक इसके लिमिट होगा तब तक। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे असाइनमेंट अपलोड करना है। तो ये अभी देखते हैं कि ये अपना पहला यूनिट का जो पहला सब टॉपिक यहाँ पे कवर हो गया। तो एक बार अभी देखते हैं कि यहाँ पे कंप्लीशन बार जो मैंने पहले बताया था वो दिख रहा कि नहीं। जैसे कि यहाँ पे मैंने बोला था कि अगर इसको यहाँ पे आप देखोगे, ये सभी आपको एज अ कम्प्लीटेड यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसका मतलब हो गया कि मेरा ये जो पॉइंट है इंट्रोडक्शन टू कोर्स, इंट्रोडक्शन टू पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद क्विज और उसके बाद असाइनमेंट, ये जो सभी चीज़ें हैं यहाँ पे कंप्लीट कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरीके से आपको क्विज असाइनमेंट यहाँ पे सबमिट करना है। वैसे ही जैसे नेक्स्ट डेट आएगा यहाँ पे आपको लिख के आ रहा है, जैसे कि ये जो अवेलेबल फ्रॉम 18 अगस्त, तो 18 अगस्त से भी शुरू हो जाएगा। उसके साथ साथ क्विज और असाइनमेंट आपको सबमिट करना है। इस तरीके से हर एक इसमें रेस्ट्रिक्शन है, तो आपको जो भी है डेट है यहाँ पे मेंशन है, उस डेट के हिसाब से आपको इसको कंप्लीट करना है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से आपको आपके सब्जेक्ट का जो भी एक्टिविटीज़ है उसको कंप्लीट करना है, उसके साथ साथ उसकी क्विज असाइनमेंट आपको सॉल्व करके उसको सबमिट करना है। थैंक यू वेरी मच।